उम्र तक आते आते हमारी स्किन का कोलाजन खोने लगता है, स्किन बहुत ज्यादा लूज होने लगती है, सैग करने लगते हैं और स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा एजिंग लाइन यानी कि अर्ली साइन ऑफ एजिंग दिखाई देने लगते हैं। और उसके बाद में दिल में आता है कि कैसे तो अपनी स्किन को टाइट और अपलिफ्ट कर सके, और महंगे महंगे हमारे जो पार्लर के खर्च होते हैं वो बढ़ जाते हैं। स्किन आपकी बहुत अच्छे से टाइट और अपलिफ्ट भी हो सकती है, बिलीव करोगे? नहीं करोगे तो आज का ये वीडियो एक बार देख लेना, करने लग जाओगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारा नू मेरी तरफ होती बहुत बहुत प्यार, क्या हाल चाल है? आशा करती हूँ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। वेल, मुझे तो अपने लिए बनानी होती है, लेकिन सोचा आप लोग के साथ भी इसको दोबारा से शेयर कर दूं। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं आज हमारी स्किन के कोलाजन को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, स्किन के डार्क स्पॉट्स पैचेस से कैसे छुटकारा पा सकता है घर पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट। वेल, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, 1 से 2 रुपए तो हम लोग खर्च कर ही सकते हैं अपनी रेमेडीज के लिए, तो क्यों ना हम आज की इस रेमेडी को पूरा देख ले ताकि अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें लगाना चाहिए और क्या चीज हमें डेली रूटीन में अपने एड ऑन करनी चाहिए जो कि हमारी स्किन में कोलाजन को बूस्ट करे, हमारी स्किन में एक एनर्जी दे और हमारी यंग स्किन के साथ में हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखे। चलिए फिर बात कर लेते हैं, अगर स्किन बहुत ज्यादा डार्क लग रही है, काली लग रही है और आप मार्केट की ब्लीच नहीं यूज करना चाहते हैं या फिर मार्केट की ब्लीच अभी है नहीं, आपको यूज करनी है लेकिन है नहीं, तो क्या करेंगे? घर में ही आपके बहुत सारी ब्लीचिंग एजेंट रखे हुए हैं जिनको कि आप अपनी स्किन को लाइटन करने में हेल्प ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक आलू ले लेना है और इसको हमने धो के कट कर लेना है। इसमें पाया जाता है ब्लीचिंग एजेंट बहुत ज्यादा मात्रा में, ये कलर को फेयर करने के साथ में स्किन को टाइट और फर्म भी करता है। तो इस तरीके से मैंने ये कट करके रख लिया आलू, इसको हमने थोड़ा सा पिंच करना है, देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से आप इसको पिंच करेंगे हल्का सा, ये देखिए, तो इसके ऊपर जो इसका जूस है वो सारा का सारा आपको निकल के मिल जाएगा। अच्छे से पिंच कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, ये आपके कलर को फेयर करेगा, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है तो स्किन के डार्क स्पॉट्स को भी हटाएगा और उसके साथ में क्योंकि इसमें स्टार्च है भरपूर मात्रा में तो वो भी आपके कलर को फेयर करने के साथ में स्किन को टाइट करेगा। साथ में हम इसमें डालेंगे जी कॉफी, थोड़ा करके हम कॉफी का जो पाउडर है हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरीके से हम लगाएंगे। आलू को आपने हल्का सा गीला रखना ही रखना है, इसलिए उसको आप पोक करते रहिएगा, आप पोक करते रहेंगे ना तो इसका जितना भी जूस होगा ना वो सारा का सारा निकल आएगा। अरे ये देखिए, ठीक है, और इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा करके कॉफी डालते जाइए, बिना कॉफी के मत करिएगा, कलर भी फेयर होगा और ब्लीच भी हो जाएगा आपका बहुत बढ़िया से, साथ में आपकी स्किन का स्क्रब भी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आप कर लेंगे तो ये कलर भी फेयर कर रहा है, ब्लीच भी कर रहा है, एट द सेम टाइम मेरी स्किन के ऊपर स्क्रब भी बहुत बढ़िया से हो रहा है। बढ़िया से हो गया हमारा ब्लीच भी और हमारी स्किन का स्क्रब भी, इस तरीके से आपने कर लेना है बढ़िया से। अब इसको हटाएंगे नहीं, इसके ऊपर ही अब हम तैयार करेंगे हमारे फेस के लिए एक एंटी एजिंग फेस पैक जो कि आपके कलर को फेयर करेगा, स्किन के बुढ़ापे के ऊपर बहुत बढ़िया से काम करेगा, स्किन की लटकी हुई जो स्किन की प्रॉब्लम है उसको ये दूर करेगा। स्किन का खाना है तो प्लीज आप अपनी स्किन को ये खाना जरूर से जरूर दीजिए। ये फेस पैक कैसे बनाना है चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस पैक को बनाने के लिए हमें क्या लेना है। हमें लेना है जी अलसी 3 से 4 चम्मच, कच्ची अलसी ली है मैंने, भुनी हुई अलसी नहीं ली है। इसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड होता है जो आपकी स्किन के रिंकल्स और झुर्रियों को खत्म करने में, रिड्यूस करने में तो हेल्प करता ही है, इसके साथ ही आपके कलर को भी फेयर करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अलसी का रेगुलर यूज आपके स्किन में बोटोक्स की जो कमी होती है उसको पूरा करता है, तो रेगुलर अगर आप इसको खाते भी हैं लगाते भी हैं तो आपकी स्किन में बोटोक्स की प्रॉब्लम को खत्म करेगा यानी कि कमी को पूरा करेगा। हमने हल्के से तवे को गर्म करना और उसके ऊपर हमने इसको रख के 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से भूनना है, पकाना नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि कच्ची अलसी लीजिएगा, भुनी हुई अलसी मत लीजिएगा। इसको हमने ले लेना, अच्छे से भून लेना और उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके आपको एक बहुत सुंदर सा, बहुत खुशबू वाला पाउडर बनके मिल जाएगा। इस पाउडर को आपने बना के रख लेना है और अक्सर जब भी आपने इसको यूज करना है अपने चेहरे के ऊपर तो आपके पास ये पाउडर बना हुआ रहेगा, तो आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, तो एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डाल लीजिए। अब हम तैयार करते हैं हमारा फेस पैक, कैसे हम इसको बनाएंगे। एंटी एजिंग के लिए हमने लेना है जी दही, दही आपने लेना है हैंकर्ड यानी कि उसका पानी पूरा निकला होना चाहिए। देखिए आप दही मेरा वाला आप दिख रहा है आपको, एकदम गाढ़ा दही है। इसमें हम मिलाएंगे जी हनी की करीब 1 चम्मच के आसपास, ठीक है, 1 चम्मच हनी जरूर से जरूर मिलाएगा। यहाँ पर एक चीज और एड ऑन कर दूं, अगर आपकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है बहुत ज्यादा तो आप यहाँ पे देसी घी का यूज इसमें इसके साथ में करेंगे, नहीं तो 1 वाइटमिन ई का कैप्सूल आप इसमें एड ऑन करेंगे।
मैं अपने फेस के लिए तैयार कर रही हूँ करीब 2 से 3 बार के यूज के लिए, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच भर के अलसी का जो पाउडर है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बनाइए, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाइए, अच्छे से इसको मिक्स करिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब तक आप अपनी स्किन के ऊपर ब्लीच कर रहे हैं उससे पहले आप इसको बना के रख लो, तो आपकी स्किन के लिए ये रेडी हो जाएगा 10 मिनट के अंदर ही। ये पेस्ट आपका एक ऐसा है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसको आप खा भी सकते हैं, इनफैक्ट बहुत अच्छा आपकी स्किन में कोलाजन के जो कमी है उसको पूरा करेगा। चलो जी, बन के आ गया आपका भी फेस पैक, तो अब हम इसको लगा लेते हैं। मैं इसी के ऊपर लगा रही हूँ क्योंकि हमने अपनी स्किन को टाइट और अपलिफ्ट ही करना, और आलू में वैसे भी स्टार्च पाया जाता है जो स्किन को टाइट और फर्म करता है, तो इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं अच्छे से। अच्छा, ये एक्स्ट्रा बनेगा, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि कल परसों वाले जो वीडियोस थे उसमें कमेंट आ रहे थे जिन पे मेरा ध्यान गया, उसमें जो थोड़े से कमेंट ऐसे थे कि दी हमारा जो बैटर है एक्स्ट्रा बन रहा है, तो क्या करें, तो उनको आप फ्रिज में रख लीजिए, खराब बिल्कुल नहीं होगा। आप इवन इनफैक्ट आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के ही रख लो, कौन रोज रोज की मेहनत करेगा, इतनी ठंडी वैसे ही है। ठीक है, तो ये लीजिए, आप इसको बना के रख लो, फ्रिज में रख लो, और करीब करीब हफ्ता भर के लिए तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो, बिल्कुल खराब नहीं होने वाला है। ठीक है जी, ये देखिए अभी हमने लगा लिया ब्लीचिंग, क्योंकि हमने ब्लीच करते वक्त स्क्रब भी कर लिया है अच्छे से, तो अब हमें मसाज की जरूरत नहीं, बस हमने इसको रखना है अच्छे से और अपनी स्किन के ऊपर इसको सूखने देना है, क्योंकि आपकी स्किन को ये टाइट कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, तो इसको आपने कम्प्लीटली टाइम देना है अपने जो इंग्रेडिएंट है उसका जो इफेक्ट है हमारी स्किन में देने के लिए। ठीक है, तो अब इसको रखें, आराम से रखें और रिलैक्स करें, जाके आप सो जाए चाहिए तो। ठीक है जी, काम कुछ मत करेगा, पसीना आएगा और फिर ये रेमेडी अपना जो उसका इम्पेक्ट है वो खो देगी, तो आपने काम नहीं करना है, सो जाना है चाहिए। तो ये देखिए जी, बहुत हद तक ये एकदम सूख गया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इसको ऐसे ही वॉश मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी खर्च होगा। ट्राई करिएगा चम्मच के साथ में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको निकाल लें, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा लगेगा, और पानी क्यों खर्च करना है, मेरी फैमिली अच्छे से जानती है भैया पानी का महत्व बहुत ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, इसको पहले चम्मच के साथ में आप निकाल दीजिए, या किसी गीले कपड़े के साथ में निकाल लीजिए, एक ही मग्गे में आपका पूरा काम हो जाएगा। आपका एक्स्ट्रा बन गया तो इसको फ्रिज में रखिए, आप दोबारा इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं वॉश कर लेती हूँ। आपकी स्किन कितने बढ़िया से ग्लो करने लगी है, कितना बढ़िया ग्लो आ गया, वाह, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कैसी लगी आपको आज की ये रेमेडी, आई होप आपको ये रेमेडी भी पसंद आई होगी। एक्चुअली घर में बैठे बैठे अगर हम अपनी स्किन का केयर कर सकते हैं तो क्या बुराई है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के, बिना किसी नुकसान के हम अपनी स्किन को अगर कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में हमें कुछ अच्छा ही मिल रहा है, कुछ गलत नहीं मिल रहा, तो क्या बुराई है एक बार ट्राई करने में, कुछ नहीं जाता है। मैं अपनी स्किन के ऊपर लगाती हूँ और मेरी स्किन आप देख सकते हैं कैसे दिन ब दिन और ज्यादा बढ़िया होती जा रही है, तो आपकी भी स्किन इसी तरह से बढ़िया होती जाएगी अगर आप रेगुलर अपनी स्किन केयर को फॉलो करेंगे। हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने से हमारी स्किन से, हमारी हेल्थ से, हमारी एज का पता नहीं चलता है, तो अगर आप भी इसी तरह का कुछ कॉम्प्लीमेंट पाना चाहते हैं तो प्लीज रेगुलर रहिए अपने स्किन केयर को लेकर।